हाय एवरीवन, आज मैंने आप लोग के लिए ब्रश का वीडियो बनाने का सोचा है, क्योंकि ब्रश का नॉलेज ऐसा होता है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को काफ़ी डिफिकल्ट लग जाता है कि कौन से ब्रश यूज़ करने हैं फेस के लिए, आईज़ के लिए। एंड मैं अपनी तरफ से एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि फेस के ब्रशेज से ज़्यादा आप लोगों के लिए एज एन फाउंडेशन ब्रश से ज़्यादा आप लोगों के लिए आई शेडो के ब्रशेज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी जो है मेरे पास काफ़ी अलग अलग ब्रांड के ब्रशेज हैं, क्योंकि मैं एक ही ब्रांड का पर्टिकुलरली नहीं खरीदती हूँ, अलग अलग लेती हूँ। देखो, शुरू करते हैं तब हम लोग एक ब्रांड का लेते हैं, जैसे PSC हो गया, या फिर प्रो आर्ट हो गया, क्राउन हो गया, ब्यूटीलिशियस हो गया, ये सब बेसिक ब्रांड्स हैं, शैनी हो गया। लेकिन फिर बाद में क्या होता है कि हम हमारा एक्सपैंड करते हैं कलेक्शन, तो उसमें हम लोगों को चाहिए होता है कि हम कोई कोई यूनिक ब्रश रखें, तो उस वक्त हम लोग अलग अलग ब्रांड का उसमें इंक्लूड करते हैं। तो फिलहाल आप लोग ब्रांड पे कंसंट्रेट ना करके ब्रश के शेप पे कंसंट्रेट कीजिएगा, क्योंकि ब्रश का शेप इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आप लोगों को आई की डिटेलिंग करने के लिए। आई शेडो में जो अभी हम लोग ने अब तक किया है उसमें सिर्फ ब्लेंडिंग और टू कलर्स को किस तरह से ब्लेंड करना है, कॉर्नर को कैसे डेवलप करना है, दैट्स इट, उतना ही किया है हमने, जो कि बेसिक है। ठीक है, जैसे हम एडवांस में जाएंगे उसमें आपको कट क्रीज होगा, उसमें आपको डबल कट क्रीज होगा, आपको डबल लाइनर होगा, तो ये सब चीज़ों के लिए कैसे है कि आपको ब्रशेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। पतले पतले ब्रशेस, शेप ऑफ द ब्रशेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। कितनी डिटेलिंग आप कर सकते हो वो सब आपकी ब्रशेस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो नाउ लेट मी टेल यू कि आई शेडो में फर्स्ट ब्लेंडिंग जो हम लोग करते हैं वो हमेशा फ्लफी ब्रश से की जाती है। ठीक है, तो अभी मैं आपको ये फ्लफी ब्रश दिखा रही हूँ। देखो इसका शेप कैसा है, मोटा है, थोड़ा ऊपर से गोल है ना। तो ये जो ब्रशेस हैं ये हमको फर्स्ट वाली आई शेडो ब्लेंडिंग में काफ़ी हेल्प करते हैं। तो लेट मी टेल यू कि ये दोनों ब्रश कौन से ब्रांड के हैं। एक वेगा का है और एक मेरा PSC का है, जिसका नंबर मिट चुका है। नो, देर इज एक जो ब्रश है वो 224 नंबर का ब्रश है एंड PSC का, और वेगा का जो है वो ऐसे ही एक रेगुलर ब्रश है। इसका कोई ब्रांड नेम या ऐसे एज एन ब्रांड नेम है, लेकिन इसका कोई नंबर वगैरह नहीं है, जस्ट ये नॉर्मल ब्रश है। ये भी काफ़ी अच्छा ब्रश है, बिकॉज मैंने इसको काफ़ी टाइम यूज़ किया है और ये काफ़ी अच्छी तरह से हमको ब्लेंडिंग करने में हेल्प करता है। सिमिलरली ये वाला ब्रश भी उसी तरह से हेल्प करता है। जो वेगा का है वो थोड़ा 295 या 300 में आ गया था, लेकिन PSC का, जैसे आप लोग जानते हो, PSC के जो ब्रशेस होते हैं दे आर लिटिल एट दी एक्सपेंसिव साइड, कुछ 600-700 की रेंज में है। तो पहली ब्लेंडिंग हम लोग इन ब्रशेस से करेंगे जो कि लाइटर शेड होता है। नेक्स्ट उसके नीचे जो होता है थोड़ा छोटा ब्लेंडिंग के लिए हम लोगों को लगता है उससे थोड़ा छोटा ब्रश, आप इसकी शेप देखिए, और ये जो पहले बताया था वो ब्रश है। देखो, दिस इज बिग एंड दीज आर स्मॉल। ठीक है, अब इन दोनों ब्रशेस में ये थोड़ा गोल है और ये थोड़ा सा पॉइंटेड है। देखो, पॉइंटेड हल्का सा है। कभी क्या होता है कि हमको क्रीज में थोड़ा ज़्यादा डार्क करना होता है या फिर थोड़ा सा शार्पनेस देना होता है, तो हम ये जो ब्रश है थोड़ा सा पॉइंटेड उसको यूज़ करेंगे। और जैसे अगर सॉफ्ट लुक ही है सेकेंड कलर में भी, तो हम ये वाला ब्रश यूज़ कर लेंगे। अभी ये वाले ब्रश का नंबर है 122 और ये PSC का ब्रश है। ठीक है, PSC का ब्रश है और इसका नंबर है 122, जो कि हल्का सा पॉइंटेड है। नेक्स्ट हमारे पास है PSC का 312 नंबर का ब्रश, जो कि हल्का सा फ्लफी है लेकिन पहले ब्रश से थोड़ा छोटा है, ओके, इसे डिटेलिंग में आप लोगों को हेल्प हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट ये दो बहुत इंपॉर्टेंट ब्रशेस हैं, लेकिन जो ब्लेंडिंग होती है सेकेंड लेवल की, उससे भी नीचे कभी कभी हम लोगों को थोड़ा और शार्पनेस चाहिए होता है, तो वो टाइम पे हम थोड़ी और छोटी ब्रश एक रखना प्रेफर करते हैं। और जैसे आईज़ के नीचे एज एन काजल लगाते हैं, उसके बाद उसके नीचे जो हम लोग थोड़ा सा स्मजिंग करते हैं ब्राउन कलर या फिर जो भी ऊपर यूज़ किया है उस कलर से, तो उसके लिए हम ये ब्रश यूज़ कर लेते हैं। ये थोड़ा सा छोटा है साइज़ में, ये भी PSC का है, इसका नंबर है ये प्रो आर्ट का है और इसका नंबर है PE29। PSC के किट में भी इस तरह का एक ब्रश अवेलेबल है। ओके, मोस्ट ऑफ देम के लिए ये वाला ब्रश का थ्योरी थोड़ा सा हुआ है, लेकिन मैं ये इसलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि ब्रशेस हम यूजुअली भूल जाते हैं। ओके, तो दिस इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट ब्रश दैट यू आर सपोज टू बी यूजिंग। तो आप लोगों के पास अभी आई शेडो के लिए सिर्फ ब्लेंडिंग के लिए कितने ब्रशेस हो गए, ऑलमोस्ट 5 ब्रशेस मिनिमम आप लोगों के पास ये ब्रश होने ज़रूरी है। प्लस एक अपने को फ्लैट ब्रश चाहिए होता है। ठीक है, जो फ्लैट ब्रश होता है वो इस तरह से होता है, ये गोल नहीं है, देखिए ये चपटा है। ये भी प्रो आर्ट का ब्रश है और प्रो आर्ट का नंबर है PE19। ओके, प्रो आर्ट PE19। ये वाला जो ब्रश है हम लोग को आई शेडो एप्लीकेशन के लिए हेल्प करता है, डैप करने के लिए। जैसे कॉर्नर्स वगैरह हम लोग ब्लेंड करते हैं राउंड राउंड करते हुए, तो उसके लिए फ्लफी राउंड ब्रश यूज़ करते हैं। एंड उसी जगह में जब हम लोग स्टार्टिंग के एरिया में आई शेडो को डैप करते हैं, यानी कि प्लेस करते हैं, यानी कि वहाँ पर हम लोग रखते हैं, तो उसके लिए हम लोग इस तरह का ब्रश को यूज़ करेंगे। ओके, तो ये हो गए हमारे 6 आई शेडो के ब्रशेज, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। मेरे पास 2 एक्स्ट्रा ब्रशेस हैं, मैं वो दिखाना चाहूँगी। देखो, ये
इसका शेप अगर आप लोग देखोगे ये ज़्यादा ही थोड़ा पॉइंटेड है, ये ऊपर जो ब्लैक है वो, और जो नीचे है दैट वन इज़ थोड़ा फ्लैट लेकिन थोड़ा फ्लफी टाइप है उसके हेयर ब्रिसल्स। अभी लेट मी टेल यू वन थिंग, ये दोनों सिग्मा के ब्रशेस हैं, ये 1600 to 1700 की रेंज में मैंने लिया हुआ है। आप देख सकते हैं ब्लेंडिंग के लिए यूज़ होता है ये वाला जो वाइट वाला ब्रश है, इसका नाम है E25 और E45 है ये पॉइंटेड वाला जो बहुत ही ज़्यादा डिटेलिंग में काम आता है। अभी ये जो मेरे पास सिग्मा का 1600-1700 का ब्रश है उसी की तरह दिखता है मेरा ये ब्रश जो कि PAC का है, जिसका नंबर मैं लिखा चुकी हूँ आप लोग को 122। देखो दोनों कितने सिमिलर लगते हैं, ब्रिसल्स वगैरह का हल्का फ़र्क होता है लेकिन प्राइस वाइज अगर कंपेयर करेंगे तो 1000 या 1200 रुपीज़ का डिफरेंस है। तो मैं सजेस्ट करूँगी आप लोग PAC 122 भी लोगे तो चलता है, ठीक है। लेकिन जस्ट आपकी नॉलेज के लिए मैंने सिग्मा के ब्रशेस भी आप लोग को बता दिए, ब्लेंडिंग वगैरह डिटेलिंग में आप लोगों को काम आता है इसीलिए। ओके सो नाउ नेक्स्ट मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगी कि आप हाईलाइटर के लिए एज एन फेस में जो हम लोग पाउडर हाईलाइटर लगाते हैं, जो शिमरी हाईलाइटर लगाते हैं, उसके लिए हम कौन सा यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास फैन ब्रश फिलहाल नहीं है, मेरे पास एकेडमी में है। मोस्ट ऑफ द पीपल फैन ब्रश यूज़ करते हैं, आप लोग कर सकते हो छोटा फैन ब्रश, मगर मैं जो यूज़ करती हूँ वो ये दो ब्रशेस हैं, ठीक है। जो ये पिंक ब्रश है जो गोल्डन जैसे दिख रहा है वो वेट एंड वाइल्ड का ब्रश है, उसका नंबर है P75, और जो सिग्मा का नीचे ब्रश दिख रहा है आपको वो है F03 हाईलाइट चीक बोन। देखो उसमें लिखा हुआ है हाईलाइट चीक बोन ब्रश है वो, एंड दोनों का शेप देखो आप, ये थोड़ा फ्लैट और फ्लफी है, एंड दिस इज थोड़ा सा नीचे से राउंड ऊपर थोड़ा सा चौड़ा और फ्लफी, बोथ आर मोर और लेस दी सेम। आप दोनों में से कोई भी ब्रश ले सकते हो, फिनिश बहुत ही अच्छा आता है, और जो बेस्ट पार्ट है कि वो टारगेट एरिया को अच्छी तरह से अप्लाई करने में हेल्प करता है, एज इन वो फैलता नहीं है बहुत ज़्यादा, हो नहीं जाता है, जहाँ ज़रूरी है वहीं पर लगता है, तो ब्रश का इंपॉर्टेंस वही होता है। ओके ये टाइप के ब्रश को बोलते हैं स्टिपलिंग ब्रश। आप अगर देखोगे ये अंदर डेंस है और ऊपर ऊपर जो इसके ब्रिसल्स हैं वो फाइन होते हैं। ये जनरली लिक्विड फाउंडेशन पूरे फेस में अप्लाई करने के लिए भी यूज़ करते हैं, एंड उसके अलावा व्हाट इसका इंपॉर्टेंस इज, हम इसको स्टार्टिंग में जो मॉइस्चराइजर प्राइमर यूज़ करते हैं वो अप्लाई करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये PAC का 306 नंबर का ब्रश है। आई वुड से कि आपके पास अगर नहीं हो तो इसको खरीदने में पैसे वेस्ट मत करना, क्योंकि ये भी वही 600-700 की रेंज में आता है। ये नहीं भी होगा तो हम हाथ से भी मॉइस्चराइजर अप्लाई करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। सेकंड थिंग इज लिक्विड फाउंडेशन के लिए आई जनरली प्रेफर टू यूज़ दिस काइंड ऑफ फ्लैट ब्रश, ठीक है। इस तरह का फ्लैट ब्रश यूज़ कर लेती हूँ मैं। ये PAC का ही ब्रश है, PAC का 317, ओके PAC 317 नंबर का ब्रश है ये, बहुत ही अच्छा है। ऐसे ब्रशेस आप लोग के किट में भी अवेलेबल है। साइज़ अगर आप कंपेयर करना चाहो तो फिंगर के साथ कंपेयर करके देख लो, इसका साइज़ एक फिंगर के टिप जितना है। दिस इज़ अ वेरी गुड ब्रश, इससे एप्लीकेशन भी बहुत अच्छी होती है। आप आईज़ के नीचे जो हम लिक्विड हाईलाइटर लगाते हैं उसके लिए भी आप यूज़ कर सकते हो, एंड यू कैन यूज़ इट ऑल्सो फॉर अप्लाइंग दी फाउंडेशन, ठीक है। एंड फाउंडेशन के लिए आई मीन कंसीलर के लिए आई यूज़ दिस ब्रश ऑल्सो, ये है PF01, एंड ये ब्रश आप लोगों को आगे जाके आई शेडो की डिटेलिंग में भी बहुत काम आने वाला है। आई शेडो में हम लोग जो क्रीम आई शेडो जो आप लोग ने लिया है फरारोशी का, वो अप्लाई करने के लिए उसकी डिटेलिंग में काम आता है, बिकॉज ये ऊपर से अगर आप लोग देखेंगे तो देखो ये बिल्कुल बहुत ही पतला हो जाता है। तो कैसे हम जब ऐसे कोई डिटेलिंग करने के लिए इस तरह से अप्लाई करते हैं तो वो बहुत पतला और फाइन लाइन आ जाती है उसकी। फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई हैव टू अप्लाई समथिंग लाइक दिस, यानी कि कंसीलर, वो भी ईजी होता है। आई शेडो आईलिड के ऊपर अगर हम लोग को बेस लगाना है कंसीलर का, उसमें भी ये इजी पड़ता है, और जब हमको कट क्रीज करना होता है तो उसमें भी ये हमको बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। ये क्लीन नहीं है, उस वजह से उसका रेसिड्यू रह गया है पहले का, तो मुझे दोबारा क्लीन करना पड़ेगा, इसलिए ये ब्रिसल्स जैसे लग रहे हैं, अदरवाइज़ ये और भी ज़्यादा टिप इसकी पतली लगती है। तो ये ब्रश भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आई नो सब लोगों के पास अवेलेबल है ये ब्रश अभी। कॉन्टोरिंग के लिए इस तरह के शेप वाले ब्रश का यूज़ जनरली किया जाता है, जो कि थोड़ा टेपरिंग होता है, यानी कि थोड़ा ऊपर से नीचे स्लैंट जैसे होता है। ये मेरा थोड़ा सा फ्लफी है ब्रश, लेकिन इसमें चपटा ब्रश आप लोग के बहुत लोग के किट में ऐसे टाइप का ब्रश दिया हुआ है, थोड़ा स्क्वायरिश दिखता है, वो बहुत ही अच्छा काम करता है। ये कोस्टल सेंस करके एक ब्रांड का ब्रश किट था मेरे पास, उसका ब्रश है ये। सो ये शेप पे ध्यान दीजिएगा कि ये शेप के ब्रश से हम लोग पाउडर कॉन्टोरिंग जो फेस में करते हैं हम काफ़ी अच्छे से कर पाते हैं वो, ठीक है। एंड पाउडर एप्लीकेशन के लिए बड़ा फ्लफी ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं डिटेलिंग के लिए क्या करती हूँ, थोड़ा सा सामने टेपरिंग साइज़ का ब्रश यूज़ करती हूँ मैं। इससे क्या होता है, आइज़ के नीचे जो हम बेकिंग के लिए पाउडर रखते हैं या फिर फुल फेस में अगर अप्लाई करना है तो थोड़ा थोड़ा करके अप्लाई करते हैं, उसके लिए मुझे हेल्पफुल लगता है। तो दिस इज़ PAC
PSC 245 ब्रश. ओके, दिस इज़ वन ऑफ द गुड ब्रश और ये 600-700 की रेंज में आता है. ये बहुत ही अच्छा ब्रश है. ये भी एक अच्छा ब्रश है जो कि मैं ब्लश एप्लीकेशन के लिए यूज़ करती हूँ. देखो ये आगे से गोल और ये है. ये 012 नंबर का ब्रश है जो कि PSC का है. ऐसा ही मेरे पास रियल टेक्निक्स का एक और ब्रश है, क्योंकि दोनों का शेप अगर आप देखो तो सेम है. रियल टेक्निक्स के ब्रशेस का नंबर नहीं होता, वो किट होते हैं छोटे छोटे. ठीक है, रियल टेक्निक का ये ब्रश है. दिस इज ऑल्सो अ गुड वन. अगेन मैं ब्लश के लिए यूज़ करती हूँ. देख सकते हो पिंक अभी भी है, वो मैंने यूज़ किया था इसको. एंड नेक्स्ट मैं बोलूँगी आई लाइनर के लिए मुझे इन पर्टिकुलर लगता है कि लोगों को ब्रशेस का बहुत दिक्कत आता है, बट आई वुड सजेस्ट कि आप जितना हो सके एंगुलर ब्रशेस यूज़ करोगे तो आपका फिनिश बहुत फाइन आएगा. देखिए पहले मैं ये वाला ब्रश यूज़ करती थी आई लाइनर के लिए. इसका टिप अगर आप देखें तो थोड़ा सा मोटा है, लेकिन ये शेप बहुत अच्छा पड़ता था. ये एली नाम का कोई ब्रांड है जो मैंने लाइट जो मैंने लिया था नायका से. 250 रुपीज़ के आसपास आया था, बट इट्स नॉट दैट गुड. बाद में मैंने ये PSC का ब्रश ले लिया जो कि बहुत ही पतला और बहुत ही अच्छे से जेल लाइनर एप्लीकेशन में हेल्प करता है. इसका नंबर है 121. ओके 121, या फिर आप लोगों के पास एंगुलर ब्रश जो किट में अवेलेबल है वो भी चलेगा. किसी किसी को इससे अप्लाई करने में भी ईजी लगता है, दैट इज़ ऑल्सो फाइन. इसका कोई नंबर नहीं है, लेकिन आप लोग इस तरह का ब्रश भी चाहो तो यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन. मस्कारा जो ब्रश होता है उसे हम आईब्रोज का जो जेल लगा के फिर उसे स्प्रेड कर देते हैं. एंड ऐसे टिप होती है वो ब्रश की, ड्यूअल साइडेड ब्रश होता है. ओके सो मुझे ब्रशेस के बारे में जो मिनिमम आप लोगों को बताना था जो आप लोगों के पास रहना चाहिए वो ये ब्रशेस हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो आई हैव मेनी ब्रशेस, बट देन अगेन वही है कि ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप के शेप हो जाते हैं. एक और अच्छा ब्रश है जो मैं नोज़ के यहाँ पे पाउडर कंट्रोल करने के लिए मुझे अच्छा लगता है वो ब्रश. देखो इसका शेप अगेन कैसा है, एंगुलर है और ये नोज़ साइड्स में अप्लाई करने के लिए बहुत अच्छा पड़ता है. ये वही है कोस्टल सेंस का कोई किट में था मेरे पास ये, लेकिन इस टाइप का भी आप लोगों को मार्केट में मिल जाता है. आप लोग इसका स्क्रीनशॉट या कुछ लेके रखोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा कि ये ब्रश कैसे दिखता है, एंड आप लोग को ये ब्रश मिल जाएगा मार्केट में कहीं पर दूसरे ब्रांड्स में. एंड मेरे पास ना एक बहुत अच्छा ब्रश है ये, जो मैं आई शेडो के नीचे की ब्लेंडिंग के लिए बहुत यूज़ करती हूँ. PSC 082 नंबर का ब्रश है ये, बहुत ही अच्छा है, छोटा सा, इससे भी बहुत अच्छा होता है. और जो आईब्रो बोन में हाइलाइटर लगाना होता है मैं इससे उसको लगाती हूँ, उससे भी बहुत अच्छा रिजल्ट आता है. सो लेट मी एंड द वीडियो ओवर हियर. यहाँ पे मैंने आप लोगों को ब्रशेस के बारे में बताया है, एंड प्लीज़ इसको रिवाइज़ कीजिएगा, थोड़ा पढ़िएगा तो आपको कैसे इसके बारे में थोड़ा नॉलेज इम्प्रूव होगा.